Viral Science, the home of creativity. हे हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप घर में एक स्मार्ट IoT प्लांट मॉनिटरिंग सिस्टम कैसे बना सकते हो, जिससे कि आप अपने स्मार्टफोन से इस पूरी दुनिया में कहीं से भी कंट्रोल कर पाओगे इंटरनेट के माध्यम से। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स का यूज़ कर रहा हूँ। उसमें से एक है ये इलेक्ट्रॉनिक वेल्व। ये आपके एक घर के नल की तरह काम करेगा। जैसे ही आप इसको पावर दोगे तो वो पानी का फ्लो शुरू कर देगा, और जैसे ही पावर कट कर दोगे पानी का फ्लो बंद कर देगा। और मैं यहाँ पे सॉइल नहीं ला पाया, तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं एक पानी का बोल यूज़ कर रहा हूँ। तो जिससे कि आप गीली मिट्टी और सूखी मिट्टी का फ़र्क मैं आपको बता पाऊँगा वो सेंसर को इस पानी के बोल में डिप करके। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं सॉइल मॉइस्चर सेंसर। तो अभी मैंने पूरे सिस्टम को पावर कर दिया, और आप देख सकते हो कि वाटर योर प्लांट्स करके मेरे को एक मैसेज आ गया है, क्योंकि मेरा सेंसर अभी बाहर है तो वो अभी ड्राइनेस डिटेक्ट कर रहा है। तो जैसे ही मैं उस सेंसर को पानी के बोल में डाल दूँगा तो वो गीली मिट्टी को सेंस करेगा, तो जिससे कि ये मैसेज चला जाएगा और हमको उस सेंसर से रीडिंग्स अपने स्मार्टफोन में दिखने लगेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे ओके क्लिक कर दूंगा और मैं उस सेंसर को पानी में डाल दूंगा। तो आप देख सकते हो कि अभी सेंसर बाहर है, तो आप देख सकते हो रीडिंग 1024 यानी कि फुल पे है। तो अभी मैंने इस सेंसर को पानी में डाल दिया, यानी कि ये गीली मिट्टी को सेंस कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि उसका वैल्यू हाफ पे आ चुका है। तो जैसे ही वापस सॉइल ड्राई होने लगेगा तो आपको एक मैसेज आ जाएगा वाटर योर प्लांट्स। तो वाटर शुरू करने के लिए आपको जस्ट एक बटन प्रेस करना है अपने स्मार्टफोन में, ये वाटर बटन। इसको प्रेस करने से इलेक्ट्रॉनिक वेल्व को करंट मिल जाएगा, जिसके माध्यम से वो वेल्व ऑन हो जाएगा और पानी का फ्लो शुरू हो जाएगा। तो आप रीडिंग्स ऑन द गो देख सकते हो, लाइव रीडिंग्स देख सकते हो। तो जैसे ही वापस रीडिंग्स कम होने लगेगा सॉइल मॉइस्चर का, तो आप वाटर फ्लो बंद कर सकते हो, यानी कि आपके सॉइल को पानी मिल गया है जितना उसको चाहिए था। और इसी के साथ साथ आप अपने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के वैल्यूज़ भी देख सकते हो स्मार्टफोन स्क्रीन पे। और इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं DHT11 सेंसर का, जो कि आपको रीडिंग्स प्रोवाइड कर रहा है अपने स्मार्टफोन में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाते हैं। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है JLCPCB.com ने। JLCPCB.com एक बहुत ही बड़ा PCB मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और PCB मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ वो SMT असेंबली सर्विसेज भी प्रोवाइड कर देता है। JLCPCB के पास 200,000 से भी ज़्यादा कंपोनेंट्स का स्टॉक है, जिससे कि आपका PCB असेंबली सर्विस बहुत ही फास्ट हो जाता है। और सारे यूज़र्स को JLCPCB कूपन कोड्स भी प्रोवाइड करता है, तो जिससे आपको प्राइसिंग में डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। तो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके अपने PCBs को ऑर्डर कर सकते हो। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमको चाहिए होगा NodeMCU ESP8266 बोर्ड, ये एक सॉइल मॉइस्चर सेंसर है, ये DHT11 टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर है, ये एक रिले मॉड्यूल है जिससे कि हम सोलेनोइड वेल्व को ऑन एंड ऑफ करेंगे, ये है सोलेनोइड वाटर वेल्व। हमको 12 वोल्ट बैटरी भी लगेगा, मैं यहाँ पे 18650 बैटरीज यूज़ कर रहा हूँ। ये एक ब्रेडबोर्ड, और हमको लगेगा कुछ वायर्स। तो आपको इस सर्किट डायग्राम को फॉलो करना होगा। ये सर्किट डायग्राम आपको बहुत ही सिंपल वे में सारा कनेक्शंस एक्सप्लेन कर देंगे, तो इसे आपको फॉलो करना है और आपका सारा कनेक्शंस कंप्लीट करना है।
कनेक्शंस कंप्लीट कर लेने के बाद हम यहाँ पे ब्लिंक ऐप को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आपको ब्लिंक ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और ये वर्जन 1 है। और हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, हम प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे IoT प्लांट मॉनिटरिंग और हम बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे नोड MCU और क्रिएट पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे राइट साइड में ऐड बटन पे हम जाके हम 3 गॉज ऐड कर लेंगे, फिर हम बटन्स ऐड करेंगे, ये बटन ऑन एंड ऑफ करेगा हमारे वाटर वेल्व को। हम फिर एक नोटिफिकेशन भी ऐड करेंगे और एक टाइमर भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम गॉज की सेटिंग्स कर लेंगे। हम पिन यूज़ कर रहे हैं वर्चुअल V2 और वैल्यू 0 to 100 दे देंगे और एवरी 1 सेकेंड में ये रिफ्रेश होते रहेगा। तो ये हो गया सॉइल मॉइस्चर के लिए। आप कलर्स भी चेंज कर सकते हो जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे। फिर हम दूसरे गॉज को सेट करेंगे। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं टेम्परेचर और वर्चुअल पिन 6 को यूज़ करने वाले, वैल्यू विल बी 0 to 100 और इसके लिए भी हम डिफरेंट कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको भी हम 1 सेकेंड के रिफ्रेश रेट पे रख रहे हैं। फिर यहाँ पे तीसरा गॉज हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, इसको हम ह्यूमिडिटी यूज़ करने वाले हैं और हम यूज़ कर रहे हैं वर्चुअल पिन 5 और इसके लिए भी हम कलर चूज़ कर लेंगे और रिफ्रेश रेट होगा 1 सेकेंड। ये सेट करने के बाद हम बटन्स की सेटिंग करेंगे। बटन को मैं वाटर नेम दे रहा हूँ और यहाँ पे हम डिजिटल पिन 0 का यूज़ कर रहे हैं और इसे हम स्विच में कन्वर्ट कर दिए और इसके लिए भी आप दूसरा कलर चूज़ कर सकते हो। फिर आप चाहो तो आप टाइमर भी यूज़ कर सकते हो। टाइमर में आपको ऑन एंड ऑफ टाइम सेट करना है अपने वाटर के लिए, तो वो ऑटोमेटिक उस समय पे पानी का फ्लो शुरू कर देगा और समय आने पे वो बंद भी कर देगा। आपको इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोड, सर्किट डायग्राम, लाइब्रेरीज, इन सब चीज़ों को डाउनलोड करने के लिए मेरे वेबसाइट पे जाना होगा। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पे मटेरियल्स परचेस करने के लिए भी लिंक्स मैंने ऐड कर दिए, तो आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हो जिससे कि चैनल को थोड़ा हेल्प हो जाएगा। तो ये लाइब्रेरी से इसको डाउनलोड करने के बाद आपको इसे आर्डिनो के लाइब्रेरीज फोल्डर में पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने पाथ भी दे रखा है और मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पेस्ट करना है। तो माय डॉक्यूमेंट्स में जाइए, वहाँ पे आर्डिनो नाम का एक फोल्डर होगा, उसमें लाइब्रेरीज नाम का एक फोल्डर होगा और आपको सारे लाइब्रेरीज यहाँ पे ऐड कर देने जो कि इस कोड के साथ प्रोवाइडेड है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर दिए, ये देख रहे हो आप सारे फोल्डर्स, ये सारे लाइब्रेरीज यूज़ होने वाले इस प्रोजेक्ट में। तो आपको भी इसी तरह यहाँ पे ऐड करने हैं डाउनलोड करने के बाद। अब हम कोड को डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद हम इस कोड को ओपन कर लेंगे और हम प्रोग्राम करने वाले हैं हमारे नोड MCU बोर्ड को। तो आप देख सकते हो ये हमारे प्रोजेक्ट का कोड है, IoT प्लांट मॉनिटरिंग सिस्टम। और यहाँ पे इस कोड में आपको कुछ चेंजेस करने होंगे। आपको पहले ये ऑथेंटिकेशन टोकन ऐड करना है यहाँ पे, जो कि आपको ब्लिंक ने सेंड किया होगा ईमेल के द्वारा। तो यहाँ पे मेरे को मेल आ चुका है, तो मैं आपसे ये टोकन कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद आपको अपने वाईफाई का SSID यानी कि वाईफाई का नेम ऐड करना होगा। तो यहाँ पे मैं नेम लिख लेता हूँ और आपको अपने वाईफाई का पासवर्ड भी यहाँ पे ऐड करना होगा जिससे कि नोड MCU बोर्ड हमारा वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको बोर्ड सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ESP8266 नोड MCU 12E बोर्ड और पोर्ट सिलेक्ट कर लेंगे। और पोर्ट सिलेक्ट करने के बाद हम इस कोड को अपलोड कर देंगे। सो कोड अपलोड हो जाने के बाद मैं आपको रिले मॉड्यूल और वेल्व एंड बैटरी का कनेक्शन दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे रिले मॉड्यूल के हम स्क्रूज़ को अनस्क्रू कर देंगे और यहाँ पे मैं बैटरी का पॉजिटिव एंड यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ बीच में। फिर हम एक और पीस ऑफ वायर यूज़ कर रहे हैं जो कि मैं फर्स्ट एंड में कनेक्ट कर रहा हूँ रिले के। तो अभी हमारे पास बचा है ये येलो वायर और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, तो इसे हम हमारे सोलेनॉइड वेल्व से कनेक्ट कर लेंगे। तो हमारा रिले एक स्विच की तरह एक्ट करेगा जो कि इस कनेक्शन को कंप्लीट एंड ब्रेक करेगा। तो अभी आप देख सकते हो हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरह से रेडी है और वर्किंग स्टेट में है। और अगर आपको ये वीडियो और ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो मेरे को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मैं इसी तरीके के वीडियोज़ अपलोड करते रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Do subscribe and press bell icon to get instant notification for new video.